ना रुके कोई हमको, बढ़ना है हमको आगे, उम्मीद है नहीं यार, सपने है दिल में जागे, ए हिम्मत ले जवार, टूटेंगे ना इरादे, पालेंगे मंजिले हम, ए अपने वादे, get on the fears and shake off, cut off the chains and take off, take off, take off, take off, take off, get on the fears and shake off, cut off the chains and take off, take off, take off, take off, take off. Assalamualaikum viewers, क्या हाल चाल है आप लोग? I hope all of you are perfectly fine and Assalamualaikum Fatma. Waalaikum Assalam Uzair. फातिमा कैसा रहा आपका पूरा वीक? बहुत ही अच्छा उज़ैर, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट टुडे क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं दे आर रियली वेरी स्पेशल. एग्जैक्टली व्यूअर्स, ये शो जिसका नाम है टेक ऑफ, ये शो हमारा नहीं, ये शो आपका है. जी बिल्कुल, तो अगर आप में है कोई टैलेंट हमसे कीजिए शेयर, एंड यू माइट नेवर नो यहाँ पर अगली दफा आप हमारे साथ हो मौजूद. वेल, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए ना उज़ैर कि आपको तस्वीरों में कितना इंटरेस्ट है? फातिमा अपनी तस्वीरों से तो बहुत ज़्यादा है मुझे. नहीं, अपनी तस्वीरों की बात नहीं की उसे, मुझे ये बताइए फोटोग्राफी से आपका कितना लगाव है. या फातिमा ऑनेस्टली कभी वास्ता तो नहीं पड़ा, बट there's a famous quote which goes, a picture speaks a thousand words. That's very true, and this is exactly what we are going to experience today. Exactly viewers, we have a very special guest from the field of photography. उनका नाम है खिजर राजपूत, who is one of his kinds. We'll call him over, उनसे गप्पे मारेंगे, फोटोग्राफी के बारे में बातें करेंगे. जी बिल्कुल, और उनके साथ हैं बख्शी ब्रदर्स, जिनका ताल्लुक है वैसे तो म्यूजिक से, बट द गुड थिंग इज कि आप उनसे बातें भी करेंगे और बहुत ही अच्छा स्किंटिलेटिंग म्यूजिक भी सुनेंगे. Alright viewers, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं खिजर राजपूत एंड बख्शी ब्रदर्स, तो आइए उनसे बातचीत का आगाज करते हैं. जी खिजर, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू. फर्स्ट क्लास हैं आप. अस्सलाम वालेकुम बख्शी ब्रदर्स, क्या हाल चाल है आपका? आपका नाम है शरी और आपका नाम है यावर, राइट? एग्जैक्टली. तो खिजर, फर्स्ट आई वुड स्टार्ट ऑफ, फोटोग्राफी आप करते हो एंड आई हैव सीन योर वर्क एज वेल, ऑफ द रिकॉर्ड हम देख रहे थे, वेरी इंटरेस्टिंग वर्क. बट मैंने आपसे सवाल ये यार कि आजकल आपने देखा होगा हर दूसरे लड़के या लड़की के हाथ में दे हैव अ कैमरा, DSLR पकड़ा होता है उन्होंने, एंड दे आर टेकिंग पिक्चर्स. ट्रेंड हैज इंक्रीज्ड, ठीक है? सो टू क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? सेकंडली, क्या आप ये समझते हो कि अच्छा कैमरा जो है दैट प्रूव्स दैट के उससे एक अच्छी पिक्चर ही आएगी, और कोई और भी इसमें चीज़ होनी चाहिए? वेल एक्चुअली दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, और जिस तरह के आजकल हालात हैं इट इम्प्लाइज अ लॉट. इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप हर इंसान के हाथ में पेंसिल पकड़ा दें तो वो स्कॉलर नहीं बन जाएगा, ठीक है? सो इट्स जस्ट अ टूल, इट्स जस्ट एवरीथिंग हैज़ टू कम आपके दिमाग से आनी है और आपकी आपका विजन जो है, ठीक है? सो आई थिंक दैट नैरोस इट डाउन के नो, कैमरा डजंट मैटर. वैसे तो खैर ये भी बात है, अगर मुझे बहुत टेक्निकल किस्म का कैमरा पकड़ा दें तो मैं तो हो सकता है उससे पिक्चर ही ना ले सकूं. समझ नहीं आती, सही बात है, बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के कैमरा सब तो आ गए. दैट इज ट्रू. नॉर्मली परसेप्शन लोगों की ये है कि एक SLR किसी के हाथ में है तो दैट इज वेरी इजी टू टेक पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, लेकिन ट्रस्ट मी उसके अंदर इतनी सेटिंग्स हैं और इतना कुछ मैनुअल है कि वो दूर से ही अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसको पकड़ते हैं तो आप इतने ब्लंडर्स करते हैं कि इट्स अनबिलीवेबल. अच्छा शरीर और यावर, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप दोनों भाई हो, बोथ ऑफ यू आर सिंगर्स, ठीक है? सिर्फ गाने का ही है या म्यूजिक से भी ताल्लुक है? म्यूजिक कुछ बजाते भी, और ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? वोकल्स तो हम दोनों करते हैं. ओके. और साथ साथ मैं जो हूँ हारमोनियम प्ले करता हूँ. अच्छा. मुझे बहुत शौक है. अच्छा अच्छा अच्छा, गॉड गिफ्टेड आप कह सकते हैं. अच्छा अच्छा. और ये जो है तबला. तो आपकी ऐसी कोई तबले के अलावा उन्होंने म्यूजिक के उसमें से एरिना में से निकल के बताना है? थिंग इज दिस, कि तबला जो है ना इतना वसी इल्म है इसका कि मैं तबले और सिंगिंग के अलावा कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, टाइम नहीं मिलता. बजा रहा होता हूँ या सुन रहा होता हूँ, आई एम अ बिग फैन ऑफ जाकिर हुसैन. ओके. मतलब मैं अगर वो सामने आ जाए तो मैं ऐसे मुंह खोल के बैठ जाता हूँ, एंड आई डोंट हैव आइडिया कि क्या हो रहा है, इर्द गिर्द आग लग गई, सैलाब आ गया, व्हाटएवर. अच्छा खिजर, जैसे हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, डू यू थिंक फोटोग्राफी के लिए देयर हैज टू बी एन इंस्पिरेशन, और इफ यू वर इंस्पायर्ड बाय समवन? फोटोग्राफी बिल्कुल आप वाली बात है कि इतनी एक ब्रॉड टर्म है कि यू डोंट हैव टू बी इंस्पायर्ड बाय अ फोटोग्राफर और एन आर्टिस्ट, ठीक है? When I started, मुझे क्या चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी, लोगों के जेस्चर्स, फेशियल जेस्चर्स, पोर्ट्रेचर. अच्छा जूं जूं टाइम गुजरा तो मैंने ये चीज़ देखी कि ओके सब्जेक्ट्स बहुत लिटरल हैं, सब्जेक्ट्स यू कैन सी पीपल, बट आप उसको किस तरीके से लैंडस्केप में भी डाल सकते हो, हाउ कैन यू टेल अ स्टोरी थ्रू इमेजेस. तो मेरी इंस्पिरेशन यही है कि व्हेनेवर आई सी
बल्कि अभी मैं जिस तरह किसी यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे हर चीज ऐसा लग रहा है कि मैं कैमरे के अंदर से देख रहा हूँ. सो यू एक्चुअली वो आई कॉल इट मिनी निर्वाणा कि आप अचीव कर लें और दैट फिर आपको सब कुछ आप सब कुछ खुद ब खुद कंपोज होते हुए नजर आएगी. सो एवरीथिंग इन द नेचर आपके हर जगह हर चीज आर्टिफिशियल और that is totally genuine. That is an inspiration. Wow, कितने literary बात की है ना वैसे किसी ने. अच्छा अब literary तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अभी off the record बात हो रही थी and I just heard it that you were saying कि जो तबले की language होती है वो हमारी language से किसी तरह से connect करती है and I didn't really eavesdropping में कह रही थी लेकिन चले आप अब बताइए कि basically इनका क्या आपस में connection है. तबले की एक खास language होती है जिसके तहत तबले के एक loop के अंदर एक bowl होते हैं. I mean it's a type of conversation of two people. I mean मैं कह सकता हूँ आपका सेट बहुत अच्छा है लाइक इस तरह का ये है बहुत ज़बरदस्त. और भी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे इसको भी बड़ा शौक है खिदर के तो मैंने कहा यार तुम मुझसे क्लासेस ले लो मैं तुमसे फोटोग्राफी सीख लेता हूं. ये तो अच्छा आईडिया है. चलो एक और तरह से गुड प्लेटफार्म एक और तरह की फ्यूजन हो जाएगी ना. अभी तो ये आप इसकी फ्यूजन कह रहे थे. तो आई थिंक फातिमा बातें चलती रहेंगी कपिल तो रखती रहेंगी क्यों ना बख्शी ब्रदर्स से गाना सुना जाए. बिल्कुल सुना जाए जी बिल्कुल सुना जाए. तो पहला सॉन्ग हां व्यावर आप कौन सा गाना परफॉर्म करेंगे सबसे पहले थोड़ी सी बता दें. इस्लाम इकबाल साहब का कलाम है मताए बेबह. ये बेसिकली एक कवाली थी हमारे दादा बू की बख्शी सलामत कवाल जो थे उनकी कवाली थी उसको जो है हमने रीमिक्स. अच्छा वेरी नाइस. आपने शेरी और यावर का गाना डेफिनेटली एंजॉय किया होगा और आई थिंक फातिमा अब हम
चलते हैं और देखते हैं थोड़ा खिजर का काम, खिजर की फोटोग्राफी को देखते हैं। जी बिल्कुल उज़ैर। तो खिजर यार, ये तो फुल एडोब यार। जी क्या सीन इस पिक्चर का? Tell us a little about this picture. Well, मुझे बहुत से लोग यही कहते हैं कि आपने इसको बहुत एडिट किया, पर अगेन जिस तरीके से मैं पहले बता रहा था कि एक सिंपल टूल है, अगर आप इसको समझ लें हाउ डज दैट रिस्पॉन्ड, तो आप आसानी से कर सकते हैं। सो इफ यू गो टू द टेक्निकल डाटा, अब ये पिक्चर मैंने दिन को खींची है और वो पीछे सूरज है, चांद नहीं है, ठीक है? अच्छा। और इसका टेक्निकल डाटा ये है कि इसका अपर्चर अगर हम इट वॉज ऑन 17 तो okay. वो बिल्कुल स्क्वीज हो जाता है छोटा सा, एंड शटर स्पीड वॉज रियली फास्ट, एंड देन अगेन कंट्रास्ट, अगर आप इसका कंट्रास्ट काफी हाई रखें तो यू विल सी कि जिस तरीके से वो बादल की आउटलाइन बन रही है, बाकी सब अंधेरे में है exactly. लेकिन आपकी वो चीज़ कैप्चर कर रहा है ग्लिम्प्स ऑफ, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आपका सेंसर ओपन हुआ है, एंड यू कैन ईजिली गेट दीज काइंड ऑफ इमेजेस। ओके, दैट्स ब्यूटीफुल यार, तो बिल्कुल पेंटिंग लग रही है। एग्जैक्टली अब ये टोटली जेन्युइन इमेज है, और मैं ट्रेन पे था और हम लाहौर से वापस आ रहे थे, तो गुजरांवाला के करीब का एरिया है, और अब जिस तरीके से उधर यू कैन सी कि लेफ्ट साइड पे बिल्कुल रात है, उधर बिल्कुल अभी सुबह लग रही है, और फिर पेंटिंग इफेक्ट्स। सो ये दिन का कौन सा वक्त था? आई वाज जस्ट अबाउट टू आस्क दैट, वाज समवट नियर 7, फॉग बहुत ज्यादा थी, तो वो उसने मुझे काफी हेल्प किया। राकापोशी बेस कैंप, ठीक है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ मेमरीज एक्चुअली। तो अगेन वो जो जेस्चर वाली बात आ गई इधर, बेसिकली ये जिन जिन लोगों को मैंने, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं फॉरनर्स के साथ, तो दे व्हेन दे सी दिस काइंड ऑफ इमेजेस वो दे से कि पाकिस्तान इज अमेजिंग, ब्यूटीफुल। टेक ऑफ, टेक ऑफ।